इमरान, बहुत बहुत स्वागत है आपका लहरे में। एक और हिट आपने दे दी है, कभी कभी दिखाई देते हैं और अचानक आते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं, क्या राज है इसके पीछे? आई थिंक बहुत खुश हैं, इस फिल्म की हिट को हिट साबित हो गई है। अभी ओपनिंग सबसे बड़ी ओपनिंग है इस साल की और बहुत मेहनत की थी सब लोगों ने और फिल्म बहुत अच्छी बनी है। दर्शकों को यहाँ पे इंडिया में, बाहर, पाकिस्तान, अब्रॉड, ओवरसीज़, सब जगह लोगों को पसंद आ रही है एंड वी हैप्पी। पाकिस्तान में प्रीमियर हुआ उसको, वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स मिला इमरान साहब? बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। जब से हम पाकिस्तान में गए और वहाँ इतना वार्म वेलकम मिला हमें और लोगों ने एक्सेप्ट की फिल्म, पसंद की और बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है फिल्म के लिए। तो ये तो पहले से पता था कि हाँ, वहाँ मेरी तीन फिल्में इससे पहले रिलीज़ हुई हैं, एक अच्छा रिएक्शन मिला है वहाँ हर फिल्म के लिए। जन्नत एक ऐसी फिल्म है जिसका टॉपिकल एक फिल्म है जो क्रिकेट के साथ डील करती है और मैं पता था कि इंडिया में, इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जहाँ क्रिकेट एक किस्म का एक रिलीजन है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग द इनॉर्मस सक्सेस इन बोथ दीज कंट्रीज। एक और फिल्म बनी थी लगान, जिसमें क्रिकेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन वो आधुनिक क्रिकेट नहीं था। अभी आईपीएल का दौर चल रहा था और सबको मालूम था कि सारे लोग आईपीएल के मैचेस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे बल्कि फिल्मों में। क्या ये सही वक्त था इस फिल्म को लॉन्च करने का कि आपने सोचा था कि आईपीएल के साथ इसे भी भुना लिया जाएगा? वह लोगों ने तो कहा था कि अभी इस वक्त, इस आईपीएल के मौसम में इस फिल्म को रिलीज़ मत करना, क्योंकि इससे पहले काफ़ी फिल्में रिलीज़ हुई थी जो बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो गई थी। लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंट थे इसको लेकर और इट्स एक्सेप्टेड, ऑडियंस को पसंद आ रही है। फिल्म में आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला सेलिब्रिटीज से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, क्रिकेट स्टार से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, क्या पॉसिबल है ऐसा बिना किसी सीढ़ी या सहारे का इस्तेमाल किए बगैर उन लोगों तक पहुंचने का? देखिए, पहले तो हम डॉक्यूड्रामा तो नहीं बना रहे हैं, इसमें एक कमर्शियल फिल्म है और कमर्शियल फिल्म्स में अक्सर लोग सिनेमैटिक लिबर्टीज लेते हैं, तो अगर हम उस डिटेल में जाएं तो हर फिल्म कहीं उनमें सब फ्लॉज होगी। तो सिनेमा और इस कमर्शियल एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फिल्म बनाई है और ऑडियंस का जो रिएक्शन मिला है बहुत पॉजिटिव है, इन द सेंस कि जो कैरेक्टर है लोगों ने एक्सेप्ट किया है उसे, जो कहानी का फ्लो है लोगों ने उसमें कोई फ्लॉ नहीं निकाली है। सो या, वी ऑन द राइट पाथ। फिल्म बहुत अच्छी बनी, आपका काम हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, इस फिल्म में भी अप्रिशिएट किया गया। इसके अलावा फिल्म में ऐसा क्या था जो मतलब मैच से रिलेटेड था? क्या इस फिल्म से सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे क्रिकेटर्स पे जो मैच फिक्सिंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं? क्रिकेट और मैच फिक्सिंग तो सिर्फ बैकग्राउंड में है, मेन जो एक रक्स है जो फिल्म को मजबूत रखती है वो है लव स्टोरी, एक रोमांटिक रिलेशनशिप। तो आई थिंक ऑडियंस ने क्रिकेट से ज़्यादा उसको एक्सेप्ट किया है और अल्टीमेटली ऑफकोर्स क्रिकेट का जो एक सब्जेक्ट है इसमें, अगर मैच फिक्सिंग का हमने एक टॉपिक को एड्रेस किया है, लोगों ने उसको भी पसंद किया है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन इमरान, बहुत दिनों से वो वाला एज नहीं दिखाई दे रहा जो मोहब्बत, जो फिल्म मर्डर में आपका दिखाई दिया था, क्या उस तरह की फिल्म या उस तरह की इमेज से आप बाहर आना चाहते हैं इमरान? वेल डेफिनेटली, उस तरह के कैरेक्टर्स मैंने कर लिए हैं और अभी अलग अलग चीज़ और अलग अलग कैरेक्टर्स को के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।